हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से इस हमारे चैनल में। दोस्तों मेरा नाम है पंकज भट्ट और आप देख रहे हैं फ्रेंड्स टेक्निकल बड़ी। तो सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि आप जो आपकी पीएम किसान मानधन निधि है योजना, जो आपकी पीएम किसान वाली जो पेंशन है, इसमें आपको एक प्रॉब्लम्स आ रहा होगा। जो आपके फ़ोन में जो मैसेज आ रहा है वो मैसेज कौन सा आ रहा है, मैंने आपको बताया था कि उसमें एक बार और बता देता हूँ आपको। जो मैसेज में लिख के आ रहा है कि आप प्रिय आवेदक, आपकी अगस्त 2019 नवंबर 2019 की किस्त को आपके आवेदन आवेदन एवं आधार में उपलब्ध नाम में विसंगति होने के कारण विवरण नहीं किया जा सकता है किया जा रहा है। कृपया www.pmkisan.government.in पर फार्मर कोई में जाकर अपना नाम को अपडेट कराएं, ठीक है। अपने नोडल अधिकारी से संपर्क करें, ठीक है। ये जो टीम है पीएम किसान की तरफ से, ये टीम का है कृषि एवं किसान मंत्रालय भारत सरकार। ये मैसेज आपको आपके मोबाइल पर आ रहा होगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, फिर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर आपको कैसे काम करना है इसके ऊपर। उसके बाद आपको यहाँ पर चले जाना है, फार्मर कार्ड जैसा मैसेज आपके पास आ रखा है। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन है आधार डिटेल्स, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। मैं आपको सिंपल सा बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सो फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बगल में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद ऑल फ्रेंड्स। फिर आपको यहाँ पर कस्टमर का आधार नंबर डाल लेना है। एक्चुअली मैंने यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर कस्टमर का अपडेट कर दिया है, इसलिए मैंने सभी लोगों के लिए ये वीडियो बनाया। मैंने कहा कुछ और भाई लोग भी हैं जिन लोगों का इसकी हेल्प हो सकती है, ठीक है। सो उसके बाद में यहाँ पर ये अपना आधार नंबर डालने के बाद यहाँ नीचे कैप्चर कोड इंटर करूँगा, ठीक है। वो कैप्चर कोड आपका सही होना चाहिए, बिल्कुल कोई गलती नहीं होनी चाहिए उसमें, है ना। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि इस पर कैसे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके एक्चुअली ये थोड़ा सा गलत हो चुका है, 7 बड़े में, एक्चुअली इसको बड़े में डालेंगे आप, ठीक है। उसके बाद फिर छोटा कर लेंगे एस, ठीक है, एस यू, फिर बड़ा आपको ये करना होगा। और उसके बाद आपको यहाँ से सर्च में डाल देना। जैसे सर्च में डालते हैं आपके पास यहाँ पर देख सकते हैं नंबर एक सीरियल नंबर है, रेफरेंस नंबर है, उसके बाद फार्मर्स का नेम है, फार्मर्स नेम, सब डिस्ट्रिक्ट नेम आ गया आपका, सब डिस्ट्रिक्ट नेम आपकी तहसील हो गया, आपका ब्लॉक का नेम आ जाएगा, विलेज का नाम आ जाएगा, आपका आधार नंबर आएगा, न्यू आधार नंबर। अब आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, आपका जैसे कि मैसेज आ रहा है कि अपडेट योर नेम, नेम को अपडेट करना है, यहाँ एडिट में क्लिक कर देना है। जैसे एडिट में क्लिक करते हैं आपके पास फिर एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। पेज के यहीं पर आपको देखने को मिलेगा फार्मर्स का नेम डालना है। अब मैं इसका जो नाम है वो नाम आपको यहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है। सो एस यू आर ई एन डी आर ए, जो भी नाम है वो आप यहाँ पर डालने के बाद सबमिट कर देंगे, ठीक है। जिस जिस कस्टमर का नाम है वो आप डालने के बाद यहाँ सबमिट कर देंगे, ठीक हो गया। एंड यहाँ पे आपका दोनों ही देख सकते हैं आधार का और ये नाम सेम होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पर कोई कमियाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये दोबारा सही नहीं हो पाएगा, एक बार सही होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। ये देखो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो नाम है इनका वो नाम यहाँ पर खराब हुआ है। यहाँ पर स्पेलिंग जो है DAR है, ठीक है। और स्पेलिंग में यहाँ पर जो आधार कार्ड में है हमारे वो है SURENDRA है, ठीक है, DRA है और यहाँ DAR है, ठीक है। इतना फर्क होने से आपकी किस्त यहाँ पे रुक जाएगी फ्रेंड्स। आपको एकदम से सही होना चाहिए, जो आपके आधार कार्ड में वही आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे और अच्छी तरह से देख लेता हूँ कि कोई कमियाँ ना हो इस पे, क्योंकि दोबारा मैंने जैसे कि बताया था आपको यह सही सही नहीं होएगा। ठीक है, यहाँ से कर देंगे आप अपडेट। जैसे ही अपडेट करते हैं आपके पास फिर एक नया मैसेज के ऊपर पढ़ सकते हैं आप, जैसे ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल, योर रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुल, यहाँ से डन कर देंगे आप। आपके पास यहाँ पे मैसेज मिल गया, देख सकते हैं आप, यस आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल एंड रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुल। तो थैंक यू फ्रेंड्स, जैसे जैसे कि मैंने यहाँ पे अपडेट किया आपके सामने, यहाँ पर लाइव प्रूफ करके दिखाया कि अपडेट हो चुका है और आपके पास ये मैसेज लिख के आ गया है।
तो कैसा लगा फ्रेंड्स आपको वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, एक लाइक जरूर कर दें फ्रेंड्स। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, एक लाइक एक कमेंट तो बनता है फ्रेंड्स। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप इसमें आपका एरिया आता है वो आप हमें बता सकते हैं फ्रेंड्स।